कहते मेरा एक दोस्त है, वो बाजारों में फिरता है, लड़कियों को देखता है तो माशाल्लाह कहता रहता है। तो मैंने कहा क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि नज़र न लग जाए, माशाल्लाह। अच्छा तरीका इख्तियार किया है उसने, देखना ही हराम है तो नज़र क्यों लगेगी, न देखो। इसमें आज़म अल्लाह को पता है, 99 नामों में कोई इसमें आज़म है अल्लाह वाला। मेरे बेटे का नाम जलाल मक्की है, कोई तस्बीह ऐसी बता दें। बहरहाल अल्लाह से दुआ भी किया करें और मुखालफों से बचने के लिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये पढ़ा करें। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कुरान की जो आयत है, कशफना अनका गिताअका फबसरुका अल्यौमा हदीद, ये पढ़ा करें। एहराम की हालत में पर्दे के लिए चेहरे को कपड़ा ना, आगे कपड़ा लटका दें चेहरे को न लगे, अगर हवा वगैरह से हिल के लग जाए तो कोई बात नहीं, वल्लाहु आलम। और हदीस के मुताबिक याद रखो, इस वजीफे को लाजम पकड़ लो, इस्तग़फार। चाहे तुम्हें बड़ा इस्तग़फार आता हो ना आता हो, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल्हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैह, वो भी ना आता हो तो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और ख़ास तौर पे इसके पढ़ने का जो वक़्त है ना, वो तहज्जुद का वक्त है, कि मोमिन की शान ये है कि वो बिल असहारे हम यस्तग़फिरु, वो सार के वक्त में अल्लाह के आगे बैठ के इस्तग़फार करते हैं। और जब इस्तग़फार करोगे ना, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे रिज़्क में भी बरकत, माल में भी बरकत, औलाद में भी बरकत, इज्जत में भी बरकत, और ऐसी जगह से अल्लाह देंगे जहां तुम्हारा ख्याल और गुमान भी नहीं होगा।